हेलो माय डियर फ्रेंड, माय फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। वेलकम टू माय चैनल द सन टैरो 7777। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। वैसे तो हम हमेशा ये देखते हैं ना कि आपकी शादी किन से होगी, कैसे होंगे आपके पर्सन, लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपकी शादी जो है, मैरिड लाइफ जो है वो कैसे रहने वाली है, शादी के बाद का लाइफ आपका कैसा होगा। ठीक है, इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगी बाउंडिंग दोनों के साथ ही, इन लॉज के साथ, फ्यूचर स्पाउस के साथ, और आपका करियर कैसा रहेगा। ठीक है, जो भी लोग अपने करियर को भी आगे ले जाना चाहते हैं शादी के बाद, तो उनका करियर कैसा रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपकी शादी लग चुकी है या होने वाली है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसमें क्या कुछ गाइडेंस आपको लेना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो क्या गाइडेंस लेकर, यूज़ करके आप अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने मैरिड लाइफ को ठीक कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो आज यही है आपकी रीडिंग, लाइफ आफ्टर मैरिज, यही है टॉपिक। ठीक है, उसके साथ साथ मैं कुछ मैसेजेस देखूंगी, लव लेटर देखूंगी आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, और साथ साथ ये भी देखूंगी कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपके हस्बैंड या वाइफ आपको क्या कहना चाहते हैं, वो भी लव लेटर आपके लिए भी होगा। ठीक है, जो शादीशुदा है उनके लिए भी, ओके, और सभी के लिए ये रीडिंग होगी। अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो, फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले, टाइमलेस रीडिंग है, सब कोई देख सकते हैं। ठीक है, मेल फीमेल सभी के लिए है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके पास आएगी तो उस वक्त की मैसेज होगी। जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए ओपन माइंडेड होकर आपको ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, तो ये ब्लू क्रिस्टल जो आप देख रहे हो, दिस इज़ फॉर पाइल वन। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आप अपना समय लेकर अपने कार्ड या फिर क्रिस्टल को सेलेक्ट करके देख सको अपनी रीडिंग। ओके, तो ये है ब्लू क्रिस्टल फॉर पाइल वन। ओके, एंड यहाँ पे है ये वाइट एंड रोजी क्रिस्टल है। ठीक है, ये है पाइल टू के लिए। ओके, एंड कार्ड मैंने रखा है फॉर पाइल वन सीता, सीता माँ का कार्ड है, दिस इज़ फॉर पाइल वन। ओके, एंड पाइल टू के लिए है आपका कृष्ण जी का कार्ड है, दिस इज़ फॉर पाइल टू। ओके, ऑलराइट, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल वन, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल सीता माँ के कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर ये जो ब्लू क्रिस्टल आप देख रहे हो इसको आप सेलेक्ट करके आए होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। ठीक है, जब आपकी शादी हो जाएगी, जब शादी होकर जाओगे, तो यहाँ पर एक चीज़ स्पेशली दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे कोई ऐसे लेडी होंगी जो कि आपको बहुत अच्छे से रखेंगी, आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाली हैं, उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल होगा, और वो लेडी आपकी मदर इन लॉ हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की बहन हो सकती हैं जो कि आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी, आप कभी परेशान रहोगे, ठीक है, तो आपका देखभाल करेगी, टेक केयर करेगी, उस तरह से आप भी जो है उनका बहुत अच्छा से केयर करोगे। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि उनके साथ आपकी बाउंडिंग बहुत अच्छी बन जाएंगी, तो वो जो पर्सन होगी सीधा माँ की तरह होंगी जो कि आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी, प्यार से रखेंगी। एंड ज़्यादा चांसेस मुझे यही लग रहा है कि वो जो पर्सन होंगी आपकी मदर इन लॉ होने वाली है, जो कि एक मदर से कम नहीं होगी। ठीक है, वो आपकी माँ की तरह ही होगी, वो आपको एक लक्ष्मी की तरह ट्रीट करेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इनके घर में आप जाओगे, शादी होकर जाओगे, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उनके लिए आप लकी साबित होगे, साथ साथ अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए तो होंगे ही, साथ साथ पूरे घर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होने वाले हो। अगर इनका कोई फैमिली बिजनेस होगा तो ऐसा हो सकता है कि शायद उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा आपकी वजह से। आपकी वजह से कैसे होगा, शायद आप कुछ आइडिया दो, या फिर ये हो सकता है कि आपके कदम रखने की वजह से
उनका फैमिली बिजनेस और तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट इस तरह से मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी लकी, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दिया कि काफ़ी लकी साबित होने वाले हो आप अपने इन लॉस के लिए। तो इन लॉस के साथ कनेक्शन बहुत प्यारा दिखाई दिया। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो मेरे सामने आ रहा था, जो कि मुझे ऐसा लगा कि तुरंत बताना चाहिए, वो ये था कि आपकी जो मदर इन लॉ होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी, ठीक है, और स्वीट होंगी। उनके चेहरे पे हमेशा क्या होगी, स्माइल होगी, ठीक है, चेहरे पे स्माइल रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेगी। ओके, सो प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि आपके कनेक्शन जो है इन लॉज के साथ कैसा रहेगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा कनेक्शन होगा, देन करियर बताऊँगी एंड देन गाइडेंस। ओके, सबसे पहले इन लॉज के साथ कनेक्शन आपका। ओके, सो यहाँ पे वुमेन होल्डिंग हार्ट का कार्ड आया है। इससे ये पता चल रहा है कि वहाँ के जो लोग होंगे, ठीक है, फीमेल स्पेशली दिखाई दे रहा है कि फीमेल के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप मेल ही क्यों ना देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब जाओगे, ठीक है, अपनी वाइफ के घर पे, तो वहाँ पे बहुत सारी फीमेल होंगी, 44 एज की भी हो सकती है, जो कि आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगी, ठीक है, बहुत प्यार से आपको खिलाएंगे पिलाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। दोनों के लिए यह मैसेज है कि आपके ससुराल वाले जो होंगे वो आपको बहुत अच्छा से ट्रीट करेंगे इन लॉज, और सच में आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे साथ साथ प्यार भी बहुत अच्छे से करेंगे, पूरे दिल से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई पड़ रही है और मेहमान नवाजी भी काफ़ी अच्छे से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, ऑलराइट, और मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये तो कार्ड बिल्कुल उड़कर आया है एंड ये कार्ड है मैन होल्डिंग अ क्वाइन। ओके, सो इन लॉज की तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन लॉज में कोई एक मेल भी ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको एक पेरेंट्स की तरह या फिर बड़े भाई या फिर बड़ी बहन की तरह मानेंगे, ठीक है, जो कि आपसे हमेशा कुछ ना कुछ गाइडेंस लेंगे, ये तो है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिच होंगे, ठीक है, जो इन लॉज में एक मेल दिखाई दे रहे हैं और हमेशा आपके साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है, और ये पर्सन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सभी के साथ आपका एक बहुत अच्छा रिलेशन बन रहा है, जिस तरह से आपका अभी का रिलेशन है भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ, तो वहाँ पर भी आपको भाई बहन जैसे लोग मिल रहे हैं, मम्मी पापा जैसे लोग मिल रहे हैं, ठीक है। तो कोई कमी यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही, जिस तरह से यहाँ पे भाई बहन आपको टीस करते हैं, मजाक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि वहाँ भी जाओगे तो वहाँ भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिबलिंग जैसे पर्सन मिल जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनजाइटी का कार्ड है। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कभी ना कभी ऐसा तो होगा कि इन लॉस की वजह से आपको एनजाइटी फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ जो जेन्युइन मैसेज है वो मैं आपको बता रही हूँ, कभी ना कभी ऐसा कुछ टाइम आ सकता है, कभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए, ठीक है, या फिर आपके मन में शुरू जब आप जाओगे तो आप वहाँ पर सेटल नहीं हो पाओगे, तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा घबराए रहोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एक लेडी है, ठीक है, वो अभी ओकेज़न या फिर कुछ पार्टी वगैरह से आई है, रूम में बैठी है और ड्रेस भी वो बहुत ब्यूटीफुल सा पहनी हुई है, रेड कलर का गाउन पहनी हुई है, ठीक है, और कुछ सोच रही है। तो ऐसा हो सकता है, अगर इन लॉस से झगड़ा नहीं हो रहा है, चांसेस बहुत कम है कि इन लॉस से झगड़ा होगा आपका। तो एनजाइटी डिप्रेशन का कारण मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि शायद आप अपने फैमिली वालों को, ठीक है, जो आपके अभी फैमिली वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा याद करोगे, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एनजाइटी में रहोगे, ठीक है। और कुछ दिन तक हो सकता है, शुरुआत के कुछ एक महीने 18 दिन या 43 डेज जो है आप परेशान रहोगे, लेकिन धीरे धीरे इन लॉस से इतना प्यार मिलने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि आप जो है अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा याद करोगे, अपने भाई बहन को, ठीक है, जो टाइम अपने फैमिली के साथ आपने स्पेंड किया वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद आएंगी। तो आप जो है उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे शुरुआत में, धीरे धीरे आपका, देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा ना कि मैंने आपको पहले बताया कि इन लॉज में भी आपको बहुत सारे भाई बहन टाइप के मिल जाएंगे और आपके फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे, जिसके साथ आप घूमोगे फिरोगे, शॉपिंग भी करोगे, उसके साथ जो भी करना चाहते हो फ्रेंड्स आपके होंगे, फ्रेंड्स टाइप के लोग वहाँ पे, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके एज के भी बहुत सारे लोग वहाँ पे होंगे, ठीक है, और इन लॉज में मदर इन लॉ जो होंगी वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगी, वो हिम्मत की तरह आपके साथ होंगी। जैसे यहाँ पे आप लेडी को देख सकते हो, तो आपकी मदर इन लॉ यहाँ पे आ रही है, ऐसा लग रहा है एंजल के रूप में, एक हेल्पर एंजल के रूप में, जो कि वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, वहाँ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है
कि धीरे धीरे जैसा जैसा टाइम स्पेंड होगा, 2 महीने 1 महीने के अंदर आप जो है धीरे धीरे एडजस्ट हो जाओगे, ठीक है, और खुश भी बहुत ज़्यादा रहने लगोगे क्योंकि वहाँ पे आपको अपनापन फील होने लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या एक चीज़ मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगी, कभी भी कोई भी कोई नई प्लेस में जाते हैं तो क्या होता है, डर लगता है, एडजस्ट करने में बहुत कठिनाई होती है शुरू में। जैसे कि फ़र्स्ट टाइम आप स्कूल एडमिशन लेते हो और मम्मी या पापा कभी छोड़ने आप लोगों को जाते हैं, ठीक है, आप याद होगा आपको जब कभी आप आपके एडमिशन हुआ होगा, ठीक है, तो आप जो है वहाँ बहुत ज़्यादा रोने लगे होगे, ठीक है, आप दौड़ कर अपने मम्मा पापा के पास चले गए होगे, ठीक है, तो वहाँ पे एडजस्ट होने में टाइम लगा आपको स्कूल में, ठीक है, तो बस एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पहले डे 2-3 दिन या फिर 1 मंथ आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है एडजस्ट करने में, लेकिन धीरे धीरे आप एडजस्ट कर जाओगे और फिर वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बनेंगे, वहाँ इन्जॉय करोगे, ठीक है। स्कूल में भी ऐसे ही होता है, धीरे धीरे स्कूल में एडजस्ट करने लगते हो, वहाँ फ्रेंड्स बनने लगते हैं, इन्जॉय करने लगते हो, फिर तो लगता है स्कूल में ही रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। तो इन लॉज के साथ कनेक्शन अच्छा है, कभी कभी हो सकता है कि झगड़ा वगैरह हो जाए, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है, सभी के लिए तो नहीं दिखाई दे रहा, बहुत कम चांसेस हैं, सभी से रेजोनेट नहीं करेगा। ओके, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि झगड़ा हो सकता है, कुछ बातें हो सकती हैं, तो इसका ख्याल रखना है आपको, ठीक है। जब कभी कोई बात करेगा आपसे, झगड़ा करने की कोशिश करेगा, तो आप वहाँ से हट जाना, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छे पॉजिटिव वे में इस चीज़ को लेकर जाना है। जब आपको यहाँ पे पहले से ही पता चला कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो इस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाइए। वैसे कुछ मैसेजेस यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं कि यहाँ के लोग, अधिकतर लोग जो हैं, स्पेशली मुझे आपके फादर इन लॉ दिखाई दे रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मेंटेन करके चलते होंगे, मतलब पूरे फैमिली को यूनिटी में रख कर चलते होंगे, ठीक है, पूरे फैमिली को मेंटेन वही करते होंगे और आपकी मदर इन लॉ, ठीक है। एंड हीलर का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, उसके थ्रू दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं डॉक्टर भी हो सकते हैं आपके इन लॉज में। 2 कार्ड्स मैं और लूँगी। द वर्ल्ड, देखिए आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उससे आप जो है ऑनलाइन मिले हो, मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हो या कहीं ना कहीं ऑनलाइन मिले हो ऐसा लग रहा है, ठीक है, या फिर ये पर्सन कहीं बाहर किसी कंट्री के हो सकते हैं, बाहर स्टेट के हो सकते हैं, ये चांसेस मुझे दिखाई पड़ रहा है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे 4th चक्र का कार्ड आया है। देखिए आपके लिए मैसेजेस अगर बात की जाए इन लॉज के साथ तो काफ़ी अच्छा होगा। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इन लॉज में जो लेडी होंगी वो यहाँ की लेडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट पढ़ी लिखी दिखाई दे रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा, पढ़ाई लिखाई हो गया, आपका करियर हो गया, उन सारी चीज़ों में भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड द वर्ल्ड का कार्ड है, हो सकता है शादी के बाद आपको कहीं और भी शिफ्ट हो जाना पड़े, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दिया कि आपका इन लॉज के साथ इस तरह का कनेक्शन होगा। अब मैं आपको बताऊँगी कि फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन किस तरह का होगा, ठीक है। ओके, 3rd चक्र का कार्ड आया है, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड आया है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन एक बहुत ब्यूटीफुल सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप जो है अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए बनने वाले हो, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, मेहनती होंगे, रिच होंगे। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है शायद मे बी शादी के बाद, कुछ मंथ बाद, 4 मंथ बाद आप जो है अपने इन लॉज को छोड़कर अपने पार्टनर के साथ शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। ये ऐसा कोई ये नहीं होगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। काम के सिलसिले में जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर के साथ कहीं और शिफ्ट होना पड़ सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर को कोई कोई काम होगा, उस वजह से आपको उनके साथ जाना होगा, ठीक है। और शादी के मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 एंड 6 मंथ बाद हो सकता है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ जाए, अगर आप रेडी हो गए तो। देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है विक्ट्री एंड सक्सेस का, तो इससे ये दिखाई दे रहा है कि जिनसे भी आपकी शादी हो रही है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, उसके साथ आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, सक्सेसफुल मुझे दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल आपका मैरिड लाइफ होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे। एंड यस, सपोर्टिव भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मैं देखती हूँ कि क्या होगा आपका, कैसा रिलेशन होगा। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है, तो ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत अच्छे से इस रिश्ते को निभाएंगे, पूरे पेशेंस के साथ हर दिन इस रिश्ते पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे, वर्कआउट करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको एंडलेसली अनकंडीशनली भी प्यार करेंगे, ठीक है। ये पर्सन जो है
यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे, ठीक है, पैशनेट होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे. तो देखिए, अगर ओवरऑल फ्यूचर स्पाउस के साथ कनेक्शन की बात की जाए तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. एंड यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन है, तो मतलब जिससे आप शादी हो रही है वो सोलमेट है आपके, ठीक है, जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल क्या हो रहा है, यूनियन होते हुए दिखाई पड़ रहा है. ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस रिलेशनशिप बनाकर रखेंगे, बैलेंस रहेगा, ठीक है. तो जैसा रिश्ता आप चाहते हो, जैसा आप मैरिड लाइफ चाहते हो, वैसी ही मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. ओके, बार यहाँ पे ऐसा कार्ड आ रहा है कि आपके जो पर्सन है उसके साथ आपका जो ये रिलेशन है, रिश्ता है, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है. उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आर्मी के हो सकते हैं, नेवी के हो सकते हैं, इंस्पेक्टर हो सकते हैं ये पर्सन. देन यहाँ पे लव बिगिंस. देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, एक महीने के अंदर रिश्ता आ सकता है, 2 महीने के अंदर सगाई दिखाई दे रही है. उसके बाद ये भी दिखाई पड़ रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होगा, ठीक है. एंड ये पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन एंड डिवोशन के साथ ये पर्सन आपको प्यार करेंगे. देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है अरेंज मैरिज. शुरुआत में क्या होगा कि आप लोग मिलोगे, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग थोड़ी थोड़ी बातें करना शुरू करो, उसके बाद ही आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती चली जाएगी, ठीक है, प्यार जो है शुरू हो जाएगा, ठीक है. आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होना, ये सारी चीज़ें भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आपका. ओके, देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए क्राउन चक्र. वाओ, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके हर एक चक्र जो है हील रहेंगे इस पर्सन की वजह से. यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है आपको इतना सुख, इतनी अच्छी ज़िंदगी देने वाले हैं कि आप जो है कभी परेशान नहीं रहोगे. हार्ट चक्र दिखाई दे रहा है, मतलब ये पर्सन आपको पूरे दिल से प्यार करेंगे. क्राउन चक्र दिखाई दे रहा है, मतलब इस पर्सन के वजह से आपका विजडम भी बढ़ता चला जाएगा. इस पर्सन के साथ आप बहुत सारे चीज़ें सीखोगे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी. देन यहाँ पे कार्ड आया है सेलिब्रेशन का. तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड ये बताता है कि इस पर्सन के साथ चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे, ठीक है. ये पर्सन आपके साथ वर्ल्ड टूर भी करेंगे. एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको हर एक दिन एक नया सरप्राइज़ देंगे, ठीक है. ये पर्सन कुछ प्लानिंग पहले से करके रखेंगे और आपको हो सकता है आपके बर्थडे पार्टी पे ये कुछ लाइक आपका बर्थडे आ रहा है तो कुछ प्लानिंग वगैरह पहले से ही बाहर में करके रखेंगे और आपको अचानक से वहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है. तो जिस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, कैंडल लाइट डिनर करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है. काफ़ी रोमांटिक होंगे आपके पर्सन, ठीक है. और यहाँ पे कार्ड है आपके लिए सैक्रल चक्र. यस, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स आप फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड फील करोगे, ठीक है. आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यूनियन होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है. स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, आप दोनों के रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कोशिश भी नहीं करेगा आप दोनों के बीच में आने का. ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है. अब मैं आपको कुछ और भी कार्ड्स लेकर बताऊँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा कनेक्शन होगा आपका. ओके, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि फ्यूचर स्पाउस के साथ कनेक्शन कैसा है आपका. ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट. टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है. इससे ये क्लियरिफाई हो चुका है कि ये पर्सन जो है आपसे डेफिनेटली ट्रू लव करेंगे. ये पर्सन जो है आप, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा ना कि आप दोनों का ये जो रिश्ता है ये ऊपर से बनकर आया है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड है. एंड टू ऑफ कप्स यही होता है कि आपकी जिससे शादी होने वाली है वो आपके सोलमेट है, ठीक है. इट मीन्स कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, कम्फर्टेबल होगा, स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी होगी. जॉय एंड स्टेबिलिटी आपके मैरिड लाइफ में दिखाई दे रही है. आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कनेक्शन ऐसा दिखाई दे रहा है. टू ऑफ वॉन्ट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आगे 2 साल के अंदर अपना बिजनेस, हो सकता है अपना एम्पायर खड़ा करने की कोशिश करेंगे और इनका कोई प्लानिंग वगैरह होगा अब्रॉड जाने का, ठीक है. सो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है. तो टेम्परेंस कार्ड आपको ये बताता है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन के साथ आप जो है पूरी ज़िंदगी अपनी बिताओगे. जैसे कि बहुत सारे मन में लोगों को शक रहता है कि कहीं डाइवोर्स का सीन ना क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा. ये जो पर्सन है आपके साथ अपना पूरा समय टाइम बिताना चाहेंगे, आपके साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड करेंगे, आपके साथ बूढ़ा होना चाहेंगे, ठीक है. आप दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है, ठीक है. तो टेम्परेंस कार्ड आपको यही बताता है कि इस पर्सन के साथ आपका जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी परफेक्ट पर्सन ये दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है. और आप भी इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो. सो यहाँ पे 2 कार्ड आ चुका है जो कि बताता है कि इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता होगा वो एक सोलमेट का होगा, ठीक है. सिक्योर होगा आपका मैरिड लाइफ, कोई भी इस रिश्ते में नहीं आ सकता और कोई भी इस रिश्ते को
तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका करियर कैसा होने वाला है आपके शादी के बाद। ठीक है, सो प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, कैसा होगा इनका करियर। ओके, हायर लर्निंग, आप यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है। सो यहाँ पे जो आया है हायर लर्निंग का कार्ड, तो हायर लर्निंग से यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आप जो है अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा करोगे। एंड हायर लर्निंग से ये दिखाई दे रहा है कि मे बी आप अब्रॉड भी जा सकते हो अपने पर्सन के साथ, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि आपके पर्सन जो है बिजनेस के लिए बाहर जाएंगे, तो हो सकता है कि आप भी बाहर जाकर वहाँ पे पढ़ाई करो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। पहले तो ये चीज़ दिखाई दिया कि आपका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपका कोई गोल है, एम है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके हायर लर्निंग में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे, फ्यूचर स्पाउस और इन लॉज, वो काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे और आपको भी कभी भी इन सारी चीज़ों से रोकेंगे नहीं। ठीक है, आपका जो एम है, जो गोल है, उसमें वो लोग सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, शायद इस वजह से उसका कर्मा रिलीज़ हो रहा है एंड आपके लाइफ में बहुत सारे गुड एनर्जी आ रहे हैं एंड इस वजह से ही आपको इतने अच्छे फ्यूचर स्पाउस मिल रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है कार्ड्स आपके करियर के लिए, मैं आपको बता दूँ। ओके, डिवाइन हीलिंग का कार्ड है, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप अपने पर्सन के साथ मिलके पार्टनरशिप वगैरह करोगे या फिर कुछ काम करोगे या फिर अपने प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, या डॉक्टर इंजीनियर हो तो उस अपने करियर को क्या करोगे, आगे लेकर जाओगे। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी डिवाइन हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है जो कि आपको बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो अब मैं आपको कुछ बताऊँगी मैसेजेस फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। ठीक है, ओके, यू होल्ड द, यहाँ पर बहुत प्यारा कार्ड आया है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कहना चाहते हैं कि ऐसा है ना कि इनका जो दिल का दरवाज़ा था वो बंद था और उसकी की, उसका चाबी जो है सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। ठीक है, तो इससे ये इनका कहने का तात्पर्य है, मतलब है कि इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप रह सकते हो और कोई दूसरा नहीं आ सकता। ठीक है, देन यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं, अगर तुम कभी गुस्सा भी हो जाओ तब भी तुम बहुत अच्छी लगती हो, एडोरेबल लगती हो, ब्यूटीफुल लगती हो। ठीक है, इसलिए कभी कभी गुस्सा हो जाओ या रो भी तो मुझे तुमसे बहुत प्यारे लगोगी, मैं तुम्हारी पिक्चर्स जो है क्लिक करके रख लूँगा या पिक्चर्स मैं क्लिक करके रख लूँगी, तुम्हें बाद में दिखाऊँगा। ठीक है, और तुम उससे मैं बहुत हंसोगी, यू कैन मेक मी बेटर। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर आपको ऐसा कहना चाहते हैं कि जब हम साथ में रहेंगे तो मुझे ना किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। उसके साथ साथ कभी मेरा मूड ख़राब भी होता है तो जब मैं तुम्हारे साथ हो जाऊँगा तो मेरे सारे जो बैड मूड है सब खत्म हो जाएंगे और मैं तुम्हारे साथ वो टाइम स्पेंड करने लगूँगा। ठीक है, और तुम मुझे बहुत प्यार से गले लगाती हो, दिल करता है कि उसी वक्त तुम्हारे बाहों में रह जाऊँ। ठीक है, और क्या आपके पर्सन कहना चाहते हैं फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट करते हैं एंड आपके डिसीज़न की भी वो रिस्पेक्ट करते हैं और आप भी उनके डिसीज़न की रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, सो यहाँ पे है यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। ओके, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट बोरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। एंड यहाँ पे है एक मैसेज और मैं आपको बता देती हूँ, यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग। तो यहाँ पे आपके पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं कि हमारे बीच का जो टेलीपैथिक कनेक्शन, मतलब आप दोनों के बीच का जो टेलीपैथिक कनेक्शन होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। ठीक है, एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझोगे, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर कुछ नहीं भी बोलेंगे, कोई एक्सप्रेशन देंगे भी नहीं, तब भी आप समझ जाओगे कि वो क्या सोच रहे हैं। तो इस तरह का कनेक्शन आप दोनों के बीच में होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आपके पर्सन भी समझेंगे और आप भी समझ जाओगे। एंड और क्या मैसेजेस हैं, ओके, द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल, लाइफ, ओके, लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट माई हार्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपके चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके हंसने का तरीका और मुझे हंसाने का तरीका, रोने का तरीका, सब कुछ जो है मेरे दिल को पिघला देता है। ठीक है, बस मैं आप पे पूरी तरह फ्लैट हो चुका हूँ और मुझे आपसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है। ठीक है, You are always there when I need you। यहाँ पे ऐसा पर्सन कहना चाहते हैं कि जितना प्यार मुझे शायद इतना प्यार कभी नहीं मिला होगा जितना प्यार तुमने किया है, और कभी भी मुझे ज़रूरत रहता है तो तुम मेरे साथ हमेशा रहती हो। ठीक है, ये चीज़ आपके पर्सन कहना चाहते हैं,
मुझे ज़रूरत होता है तो तुम हमेशा होती हो। बहुत सारे लोगों के ऐसे पार्टनर होते हैं ना, जब ज़रूरत होती है, जब बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तो उस वक्त ही छोड़ के भाग जाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और ऐसा कहना चाहते हैं कि तुम मेरे साथ हमेशा रहना जब मुझे ज़रूरत होगी तुम्हारी। और ये तो बिल्कुल होगा, जब आपको ज़रूरत होगी तो वो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। अगर तुम दूसरे रूम में भी चली जाती हो तो मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। मतलब इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पर्सन जो है आपको बहुत प्यार करेंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे अगर काम के सिलसिले में कहीं बाहर चले जाते हैं तो। ठीक है, एक लास्ट कार्ड है, वो है ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करता हूँ, ठीक है, और तुम बस ऐसा दिल करता है कि तुम्हारा हाथ पकड़ के हमेशा साथ में रहूँ, साथ में चलूँ, तुम्हारे जो गोद में है उस पर सर रख के सोया रहूँ। तो इस तरह के मैसेजेस आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस लव लेटर आपको देना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे गाइडेंस मैं आपको बताऊँगी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट, ओके, इम्पॉर्टेंट गाइडेंस गिव मी गॉड, ओके। सो गाइडेंस ये है ना कि आपके लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं, इसलिए आप लोग जो है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, बस मिरेकल्स सोचिए, मिरेकल होकर रहेगा आपके मैरिज लाइफ में, ठीक है। और क्या होगा, ओके, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो गार्जियन एंजल है वो भी आपके साथ है, इसलिए आपका जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रोटेक्टेड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी यही है, एंजेलिक प्रोटेक्शन। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका मैरिड लाइफ है वो हमेशा क्या होगा, एंजल से प्रोटेक्टेड होगा। एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड चेंजेस, आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड चेंजेस आएंगे आपके शादी के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप के पर्सन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गुड लक है, इस वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड है ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, आपके पर्सन जो है आपसे हर एक बातें बताएंगे, हर एक चीज़ें शेयर करेंगे, पूरे ऑनेस्टी के साथ अपने रिलेशन को निभाएंगे। एंड ये चीज़ आपके लिए भी कहा जा रहा है कि आपको भी अपने मैरिड लाइफ में पूरे ऑनेस्टी एंड ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए, पूरे ऑनेस्टी के साथ रिलेशनशिप को निभाना चाहिए, मैरिड लाइफ को साथ साथ हर एक चीज़ें अपने पार्टनर को बतानी चाहिए। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जॉय एंड स्टेबिलिटी होगी आपके मैरिड लाइफ में। एंड एक लास्ट कार्ड है यहाँ पे, एंड ये आप देख सकते हो, रोमांस एंड कनेक्शन आप दोनों के बीच में काफ़ी हाई होगा, काफ़ी हाई रोमांटिक रिलेशनशिप होगा मैरिड लाइफ। एंड आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और आपके जो पार्टनर होंगे वो आपके एक बहुत अच्छे दोस्त भी होंगे, ठीक है, दोस्त होंगे जिनके साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा यूनिटी होगी। आप को आपके ऊपर कोई उंगली उठाएगा ना तो वो उनको अच्छे से सबक भी सिखा देंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है, ओके। सो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं फॉर पाइल वन। होप कि आपको क्लियरिटी मिली होगी कि कैसा होने वाला है आपका मैरिड लाइफ, ओके। सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो चलते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते हैं पाइल टू के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल टू, होप कि आप अपने इस रोज़ी वाइट क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर इस ब्यूटीफुल कृष्ण जी का कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो देखते हैं कि कैसा होगा आपका कनेक्शन इन लॉज के साथ, फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपका करियर कैसा होगा, ठीक है, एंड क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इन लॉज के साथ कनेक्शन तो बहुत प्यारा होने वाला है। एंड साथ साथ ये दिखाई दे रहा है कि इन लॉज जो होंगे आपके वो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगे, काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले, या फिर कोई भी रिलीजन से हो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होंगे, ठीक है, उस रिलीजन को फॉलो करते होंगे काफ़ी स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो इन लॉज होने वाले हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा धार्मिक होंगे, ठीक है, अगर हिंदू धर्म से है तो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते होंगे, ठीक है, और जैसे भी जिस भी धर्म में रिचुअल्स वगैरह होते हैं तो उस तरह से होते होंगे, ठीक है, सारी चीज़ें करते होंगे। तो ये चीज़ पहला यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन लॉज के लिए। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कान्हा जी को काफ़ी ज़्यादा मानते होंगे आपके इन लॉज वाले, काफ़ी ज़्यादा ये मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, पूरे दिल से और काफ़ी धूमधाम से जन्माष्टमी वगैरह जो है मनाई जाती होंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल भी होंगे, ठीक है, ये लोग जो है ट्रेडिशन को भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते होंगे, जो कि
इनके पुराने फैमिली में से सब लोग ट्रेडिशनल जैसे फॉलो करते आ रहे हैं तो वो चीज़ फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि इनका कोई पुराना फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, उस चीज़ को भी ये लोग नहीं छोड़े हैं, अभी तक करते आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट भी दिखाई दे रहे हैं आपके इन लॉस। ठीक है, तो इन लॉस के लिए अगर कनेक्शन देखा जाए तो अगर सिर्फ इन लॉस के बारे में बात किया जाए तो इन लॉस लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे घर के दिखाई दे रहे हैं, रिप्यूटेटेड हाई सोशल स्टेटस के लोग दिखाई दे रहे हैं, पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ धार्मिक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल तो नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन लॉस जो होंगे काफ़ी ज़्यादा धार्मिक होंगे। ठीक है, और मैं बताती हूँ कि कैसा कनेक्शन होगा इन लॉस के साथ। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड, कैसा होगा इनका कनेक्शन इन लॉस के साथ। फर्स्ट कार्ड आया है विल ऑफ़ फॉर्च्यून। देखिए यहाँ पे कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, ठीक है, जो कि ये दर्शा रहा है कि आपको हर चीज़ें मिलेंगी, आपके हर एक चीज़, आपके हर एक विशेस वहाँ पे फुलफ़िल होंगे। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन तो आपको फॉलो करने पड़ सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा। ठीक है, जो धार्मिक होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, तो उनको फ्रीडम के बारे में भी एक एक चीज़ पता होगा, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी को जियोगे। एंड यस, ये लोग काफ़ी ज़्यादा आपके लिए गुड लक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपके इंटर करने की वजह से इनके लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ चेंजेस होगा, आपके इन लॉस में भी चेंजेस होगा आपके आने की वजह से, क्योंकि फैमिली में एक नया मेम्बर जुड़ रहा है, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होगा ही एंड ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, अवेकनिंग होगी और आपकी भी काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग होगी। ठीक है, आप भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि भगवान को मानने लगोगे, बिलीव करने लगोगे, आपकी तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, आप तो स्पिरिचुअलिटी पे भी चलोगे। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है एंड ऑलमोस्ट आप लोग चल भी चुके हो, जो भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हो आप लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन हायर पावर में यकीन रखते हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली 100% ये कार्ड बता रहा है कि इन लॉस के साथ कनेक्शन आपका बहुत ब्यूटीफुल ग्रेट रहने वाला है, गुड फॉर्च्यून दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये लोग आपके लिए, एंड यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि इन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करोगे, घूमोगे फिरोगे, वर्ल्ड टूर भी करोगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ्यूचर स्पाउस के साथ, फ्यूचर स्पाउस के साथ तो आप हनीमून पे जाओगे ही, इंजॉय करोगे, उसके साथ साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओकेज़न सेलिब्रेट वगैरह, दिवाली वगैरह या होली या कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल करो। ठीक है, बहुत सारे धार्मिक प्लेसेस, होली प्लेसेस पे जाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं पुराने, वो सारी भी चीज़ें लाइक ताजमहल हो गया, ठीक है, अच्छे अच्छे मंदिर हो गए, तो वो सारी जगह आप लोग जो है देखने जाओगे। इन लॉस के साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि टाइम स्पेंड करने वाले हो, और ऐसा नहीं है कि आप बोर फील करोगे, नहीं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। ठीक है, ट्रेडिशनल होने का ये मतलब नहीं है कि वो पुराने ज़माने के होंगे, नहीं, ट्रेडिशनल कहने का ये मतलब है कि जो ट्रेडिशन इनके घर में चला रहा है और जो भी धर्म का अपना ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हैं काफ़ी स्ट्रिक्टली, काफ़ी पूरे मन से, दिल से। उसके साथ साथ जो अभी मॉडर्न एज चल रहा है उस चीज़ को भी ये लोग फॉलो करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न नहीं है, बहुत स्टाइलिश, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसा सिचुएशन होता है, जैसा कंडीशन रहता है, वैसे अपने आप को ढालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको भी म्यूज़िक लाउड सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है इन लोगों को। ठीक है, और कभी पूजा पाठ हो रहा है तो उस समय स्लो सॉन्ग सुनना, भक्ति सॉन्ग सुनना, ये सारी चीज़ें पसंद है। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए इंसान को जो कि हर रंग में ढल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, तो आप बहुत रिच हो जाओगे, आपके विशेस फुलफ़िल हो जाएंगे एंड आपका करियर भी अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं भी करना चाहोगे तो तब भी आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहोगे, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज लोग होंगे, इन लॉज होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी कुछ चीज़ आप चाहोगे तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सारे जो विशेस हैं वो फुलफ़िल होने वाले हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है पेट, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज, एस ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, शादी होने के चांसेस 1 साल के अंदर हो सकते हैं। एंड यहाँ एक चीज़ है कि आपका जो घर होगा, ठीक है, जहाँ पे आप शादी होकर जाओगे, इन लॉज का घर, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं
पहाड़ों के बीच में हो सकता है, हिली एरियाज़ या माउंटेनियस एरिया या कोई बहुत नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेस पे हो सकता है। हो सकता है अगल बगल नदी रिवर वगैरह हो या फिर सी भी हो सकता है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस होगा। ठीक है, फ्यूचर स्पाउस का घर बहुत बड़ा होगा। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा घर होने वाला है, रॉयल घर इनका होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, वो भी पूरे दिल से, लालच के लिए नहीं। तो ये इस वजह से भगवान भी इन पर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान है और इनकी फाइनेंशली बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, या इसलिए यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो, पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे। ठीक है, तो जहाँ आपकी शादी लगने वाली है वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ आप भी ऐसा कुछ बड़ा करोगे और आपके अंदर वो एबिलिटी आएगी, अवेकनिंग होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिस वजह से आप कुछ बड़ा करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। यहाँ पे आप कार्ड देख रहे हो, द फूल का एंड द सन का कार्ड भी है, ओ माय गॉड, एंड द लवर का कार्ड भी है। सो ये सारे मैसेजेस मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। पहले ये द फूल का कार्ड आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो इन लॉज के साथ कनेक्शन होगा, कि इन लॉज जो है आपको हमेशा गाइड करेंगे, हेल्पर एंजल की तरह यहाँ पे इन लॉज दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिट गाइडर की तरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए मना करेंगे, आप कुछ भी करना चाहोगे तो वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप कहीं गलत राह पे भटक रहे हो तो वो आपका हाथ भी पकड़ लेंगे। ठीक है, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। द फूल की एनर्जी से ये पता चल रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है लाइफ को जीने वाले हो और इन लॉज जो होंगे आपको बिल्कुल भी रोकेंगे टोकेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी जहाँ आप रहते हो अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, उससे भी ज़्यादा फ्रीडम आपको आपके इन लॉज से, फ्यूचर स्पाउस से मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एंड आपकी जिससे शादी होगी ना, वो आपके सोलमेट होंगे डेफिनेटली। यहाँ द लवर की एनर्जी है, जिससे ये पता चलता है प्यार तो बेशुमार होगा। ठीक है, स्पिरिचुअल लव होगा, ट्रू लव होगा, ठीक है, होली लव होगा, तो इसमें बिल्कुल भी कोई खोट नहीं होगा। ठीक है, कोई बैड इंटेंशन नहीं होगा, आपके जो पर्सन होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हैं, आप उनके लिए बने हो, ये रिश्ता ऊपर से बनकर आया है एंड एंजल्स जो है आपके रिश्ते को ब्लेस भी कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ब्रेव होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, कनेक्शन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा ना कि बहुत बहुत अच्छा होगा। द लवर का कनेक्शन है तो ये क्लैरिफाई होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे के लवर हो। ठीक है, एंड आपकी जो रिश्ता, आपका ये जो रिश्ता होगा, चाहे इन लॉज के साथ हो या फ्यूचर स्पाउस के साथ हो, वो कैसा होगा, काफ़ी ज़्यादा शांत होगा, स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, सिक्योर होगा और आपके पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा लाइक इंडलेसली और अनकंडीशनली ये पर्सन प्यार करेंगे, इंथुजियास्टिकली प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार आपके पर्सन की तरफ से दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे द सन की एनर्जी है, उससे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि शादी के कुछ मंथ बाद, लाइक हो सकता है कि 6-7 मंथ के बाद आपको एक गुड न्यूज़ आ सकता है, वो है बेबी का। वो हो सकता है कि फर्स्ट जो आपके बेबी होंगे वो होंगे बेबी बॉय। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि शादी के बाद मे बी आप कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हो, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका जॉब या फिर बिजनेस वगैरह बाहर होने की वजह से आपको भी उनके साथ बाहर जाना पड़ सकता है। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप सभी के लिए। ओके, द सन की एनर्जी है, काफ़ी ब्राइट एंड पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आ रही है। ठीक है, तो हर तरीके से अबंडेंट आपका मैरिड लाइफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं इन लॉज के बारे में बात कर रही थी, तो इन लॉज भी आपसे बहुत अच्छे से प्यार करेंगे, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपको समझेंगे। ठीक है, और आपकी जो भी ख्वाहिश होगी उसको अपना ड्रीम मानेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा ना कि जिस तरह से आपके मम्मी पापा आपको प्यार करते हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको भी वहाँ पे आपके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ वैसे ही ट्रीट करेंगे, आपको बिल्कुल भी पेरेंट्स की या फिर घर वालों की कमी महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और क्या चाहिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जजमेंट का कार्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन या इन लॉज, ठीक है, आपके आगे होने वाले फैमिली वाले जो है वो शायद लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ या फिर आपके पर्सन जो है लॉयर जज हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि वहाँ कुछ लोग इंस्पेक्टर हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, नेवी के हो सकते हैं, एयरफोर्स के हो सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये आ रहा है कि वहाँ पे आपको अपने बच्चों की तरह, बच्चे की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये समझाया जाएगा
कि कहीं बाहर से आप आया हो, नहीं, आपको बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह माना जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि जब आप इनके लाइफ में आओगे तो इनकी भी अवेकनिंग होगी, इनके लाइफ में भी चेंजेस आएंगे और बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लोग जो है आपके साथ हमेशा अच्छा करेंगे, आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे और बहुत गुड इंटेंशन रखेंगे आपके लिए, ठीक है। तो एक अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है आपको, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हेरिफेंट का कार्ड है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो होंगे वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे ये भी हो सकता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगे, ठीक है। और आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि टीचर भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पे इन लॉज के लिए भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे टीचर हो सकते हैं, ठीक है। आपके फादर इन लॉज स्पेशली दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। देखिए जस्टिस का भी कार्ड आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होंगे और काफ़ी ज़्यादा घर को अच्छे से बैलेंस करके वही चलते होंगे, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो पर्सन के जो फादर होंगे, फादर इन लॉज होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। एंड लेकिन जब आप उनसे बातें करोगे, ठीक है, ऐसे तो बाहर से लगेगा कि काफ़ी कठोर है, रूड है, लेकिन ये कभी भी आपसे रूडली बात नहीं करेंगे, बातें ये कम करेंगे, लेकिन जब भी बातें करेंगे तो आपको अच्छा ही फील होगा। ऐसा लगेगा ये पर्सन तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, तो सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बस हार्ड इसलिए बनकर रहते हैं क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, जो भी बिजनेस है, काम है घर का, और सबको मिला कर रखना, ठीक है, यूनिटी बना कर रखना, उस चीज़ को बना कर रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए इनको थोड़ा हार्ड बनना पड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपके फादर इन लॉज के लिए। तो ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वगैरह हो सकते हैं, साथ साथ स्टाइलिश भी होंगे, आप अपने ड्रीम्स को आगे लेकर जा सकते हो, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस और फैमिली वाले जो हैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो कनेक्शन है फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा होगा, ओके। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड। यहाँ पे दो कार्ड आया है, ओके, थ्री कार्ड्स आ चुका है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो तो बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन तो आपके जोरों के गुलाम होंगे, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनका कमिटमेंट होगा, ट्रू कमिटमेंट होगा, एंड ये पर्सन आपको बहुत सारे सरप्राइजेस एंड गिफ्ट वगैरह देना शुरू कर देंगे, तभी से जब आपकी शादी नहीं हुई रहेगी, जब आपका शादी फिक्स हो जाएगा तो आपके पर्सन जो है आपका बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, ठीक है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कभी भी आपको फैमिली की कमी महसूस होगी ही नहीं, ठीक है, और आपको कभी रोना धोना भी नहीं पड़ेगा, कभी भी एंजाइटी डिप्रेशन नहीं दिखाई दे रहा। एंड यह कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, आपका जो जितना भी विशेष है वो फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रहा है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आप जीने लगोगे, आपके लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहा है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, काफ़ी बेस्ट कार्ड होता है, ठीक है। एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, सो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो पर्सन है वो आपके लवर है, एंड वैसे भी आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, ट्रू लव होगा उनका, ठीक है। एंड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होंगे, उनको लॉकेट वगैरह पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, और हो सकता है टैटू वगैरह भी इनको अच्छा लगता हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जितना ये पर्सन ट्रेडिशनल है उससे ज़्यादा तो यहाँ पे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं स्टाइलिश, एंड उससे भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप हो एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि घर के लोग अगर बहुत ज़्यादा धार्मिक है, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो शायद उन सारी चीज़ों में ये पर्सन उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते होंगे, ठीक है, थोड़ा कम ही इन्वॉल्व होते होंगे, लेकिन हाँ घर का रूल्स एंड रेगुलेशन है तो ये फॉलो करते होंगे। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को फॉलो नहीं करते, ठीक है, ये हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, तभी तो आपको भी इतना प्यार करेंगे, आपके साथ केयरिंग कनेक्शन होगा, ठीक है, और आपके भी हर एक शौक को, रिश्ते को पूरा करेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिल के अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनका नेचर मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ दिखाई दे रहा है, कनेक्शन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी स्वीट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ओके। एंजल ऑफ लव का कार्ड है, दैट्स ग्रेट, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है अगर लुक्स की बात की जाए तो बहुत अच्छे होंगे, एंड साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको एक एंजल की तरह दिखेंगे, ठीक है, आप एक एंजल की तरह इस पर्सन के लाइफ में आओगे, ठीक है, और इनको काफ़ी ज़्यादा मदद भी करोगे, ठीक है, इनका जो गोल है, सपना है, उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे। इस पर्सन के नज़र में आपकी रिस्पेक्ट, इज्जत, वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी,
ठीक है, जब इस पर्सन के लाइफ में एंटर करोगे तो अचानक से इनके लाइफ में चेंजेस होगा, उस वजह से ये पर्सन और भी आपकी केयर करने लगेंगे, ठीक है, आपको और भी प्यार करने लगेंगे। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। सो यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन ही प्यार करेंगे, आप भी जो है अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैजिकल चेंजेस आपके लाइफ में होकर रहेंगे, ठीक है। तो इन लॉज के साथ भी कनेक्शन अच्छा दिखाई दिया, फ्यूचर स्पाउस के साथ भी कनेक्शन अच्छा दिखाई दिया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपका जो टेलीपैथिक कनेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, मतलब आप जो है उनको समझ जाओगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बहुत ज़्यादा अबंडेंट आपका मैरिड लाइफ होने वाला है, बहुत सारे अबंडेंस आपके लाइफ में आएंगे, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो। स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो आपके लाइफ में पर्सनल हीलिंग लेकर आएंगे। अगर आप अपने लाइफ में खुश नहीं हो, परेशान हो, तो शादी का जो आपका शादी का लाइफ होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। शादीशुदा लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा हीलिंग भरी होगी, हैप्पीनेस होगा, ठीक है। एंड एक लास्ट कार्ड है, वो है यिन यांग का कार्ड, जिसके थ्रू ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। 20% चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन क्या है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, ठीक है, जिसके साथ आपकी शादी होगी। ऑलराइट, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो करियर है वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, करियर तो काफ़ी अच्छा रहेगा, डिवाइन हीलिंग का कार्ड आया है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, एंड वाओ दैट्स ग्रेट, ग्रीन तारा माँ का कार्ड आया है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपने करियर के लिए आपको येलो तारा मंत्र सुनना चाहिए, ठीक है। आपका करियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, आपका करियर जो है उसका मुझे ऐसा दिखाई देना काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो कोई हेल्प करे या ना करे, हो सकता है कि इन लॉज की तरफ से थोड़ा कम सपोर्ट मिले, सपोर्ट करेंगे लेकिन हो सकता है पूरे दिल से ना करें, लेकिन हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो आपको पूरे दिल से आपके करियर में सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। या इंक्रीज अवेयरनेस, यस, हायर लर्निंग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, डेफिनेटली आप जॉब भी करोगे, एंड आपके पर्सन जो है आपको डेफिनेटली सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके करियर में। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में मिराकुलस चेंजेस होंगे, ठीक है, और काफ़ी जल्दी होने वाले हैं। अगर आप शादीशुदा हो और आप चाहते हो कि मैं कुछ बिजनेस वगैरह करूँ या कुछ भी करूँ जॉब वगैरह, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जल्दी आपकी जॉब लगने वाली है, ठीक है। ऑलराइट, या फिर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जॉब वगैरह ले लूँगा या फिर ले लूँगी, उसके बाद शादी करूँगी, तो हो सकता है कि जॉब आपका पहले लग जाएगा, उसके बाद ही आपकी शादी होगी, ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, करियर के लिए आपके लिए बहुत प्यारा मैसेज आया है, मैजिक मैनिफेस्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, एम है, वो एक अलग चीज़ है, और आपका ये पर्सनल लाइफ है, ठीक है, वो प्रोफेशनल है, ये पर्सनल है, दोनों चीज़ें के लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, अभी मैं देख रही हूँ तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो ड्रीम है वो डेफिनेटली रियलिटी में चेंज हो रहा है। योर ड्रीम्स विजन एंड गोल आर बिकमिंग रियलिटी, ठीक है। तो यस, आपका जो ड्रीम है, सपना है, वो सब डेफिनेटली पूरा होगा, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, और आप आगे चल के एक बहुत रिच पर्सन खुद बनोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने पर्सन पे डिपेंडेंट रहोगे, नहीं, आप जो है खुद इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। इनफाइनाइट अबंडेंस आपके लाइफ में होंगे, और कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आएगा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुरंत हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कर्म भी मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इस वजह से आप जो है बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये भी आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा, समझ आ चुका होगा कि आपका जो ड्रीम है, सपना है, गोल है, विजन है, वो भी रियलिटी में चेंज होगा। बस आपको फोकस रखना है, मैनिफेस्ट करते रहिए, डेफिनेटली होगा। नहीं भी मैनिफेस्ट करोगे तब भी आपका यहाँ सा दिखाई दे रहा है कि सपना पूरा होकर रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड, गाइडेंस गिव मी। ओके, अर्थ एंड ग्राउंडेड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अर्थ के इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, अर्थ के साथ थोड़ा सा घूमने फिरने की ज़रूरत है, इंजॉय करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ रोमांस एंड कनेक्शन दिखाई दे रहा है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होने वाला है आपका, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है डू द वर्क, आपको कभी भी अपने एक्शन को नहीं छोड़ना है, मतलब आप कोई भी अपना सपना देखते हो तो उसके लिए आपको वर्क करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है गार्जियन एंजल का,
मतलब कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस आपका मैरिड लाइफ होगा। किसी किसी का मैरिड लाइफ मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। अब आप शादीशुदा हो तो काफ़ी जल्दी उसमें क्या होगा, शांति आते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक है, मैनिफेस्ट कीजिए, बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपकी स्ट्रेंथ बनकर रहेंगे, वो आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं एंड ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आपको और भी बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन जो है ट्रू होंगे आपके लिए और गाइडेंस भी मिलेगा, आपकी स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होते हुए दिखाई पड़ रही है। एंड एक लास्ट कार्ड है वो है होली लव का। ओके, तो यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है स्पिरिचुअल लव का। यस, डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ जो आपका प्यार है वो एक स्पिरिचुअल लव है। ठीक है, जो कि हो सकता है पास्ट कनेक्शन मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, पहले भी आप लोग पिछले जन्म में भी आप लोगों का कुछ ना कुछ रिश्ता रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से कुछ लव लेटर है, वो है यू लव अनकंडीशनली। आपके पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे अनकंडीशनली प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे अनकंडीशनली प्यार करती हो। ठीक है, हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आई ट्रस्ट यू विथ माई, ओके, यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं तुम पे अनकंडीशनली ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो एंड ट्रस्ट करती हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जिस तरह तुम चलती हो, बातें करती हो, स्माइल करती हो, मैं फिदा हूँ उन सारी चीज़ों पे। एंड एक लास्ट कार्ड है वो है आपका, ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन जो है ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, एक बहुत वंडरफुल फ्यूचर तुम्हें देना चाहता हूँ। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है उनके साथ आप बहुत खुश रहोगे। ठीक है, हमेशा हर वक्त इंजॉय करोगे, लड़ाई झगड़ा का टेंशन मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट मैरिज वाले हो, सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले, सभी के लिए ये मैसेजेस हैं। ठीक है, आपके आगे आने वाले फ्यूचर स्पाउस के लिए ये मैसेजेस हैं। ओके, उनके तरफ से मैसेजेस है ये सब कुछ। ओके, सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं, तब तक ले बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।